दोस्तों आज का वीडियो है ना, शरीफ लोग नहीं देखा, शरीफ लोग नहीं देखना। आप अपना पीएफ का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट पे लिखा आ रहा है नो सर्वर अवेलेबल, या फिर लिखा आ रहा है कि वेबसाइट डाउन, या आप कैप्चर कोड डाल रहे हैं तो वहाँ पे आपका कैप्चर कोड वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का बस एक ही जवाब है, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बेहतर कोई काम हम पे कि अभी पीएफ की वेबसाइट काम नहीं कर रही है, और ये कब तक काम करेगी किसी को पता नहीं होता है। पीएफ संस्था के बारे में आपको समझना जरूरी है, क्योंकि पीएफ संस्था एक नॉर्मल संस्था नहीं है। ईपीएफओ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ये संस्था अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लागू करने वाला संस्था बताते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो वेबसाइट पे जानकारी है उसके हिसाब से ये 22 करोड़ अकाउंट अभी इनके पास हैं। मतलब 22 करोड़ लोगों का पीएफ इन्होंने अपने पास अकाउंट मैनेज किया हुआ है, जिसमें से एक्टिव जो मेंबर्स हैं वो है 6.5 करोड़। तो यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है पीएफ संस्था के बारे में कि पीएफ संस्था ने आप लोगों को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? तो यहाँ पे संस्था की जिम्मेवारी बनती है कि जो मेंबर आपके अकाउंट में अपने पैसे हर महीने जमा करवाते हैं, उन मेंबर्स को आप अच्छी चलने वाली वेबसाइट प्रोवाइड कर सकें। ये जो पीएफ की वेबसाइट है, ये लगभग साल के अंदर, अगर मैं सभी दिनों को जोड़ दूं, जब ये मान लो महीने में 10 दिन नहीं चली, महीने में 12 दिन नहीं चली, महीने में 4 दिन नहीं चली, 5 दिन नहीं चली। अरे कहना क्या चाहते हो? जनता माफ नहीं करेगी। मैं कह सकता हूं कि लगभग साल में 12 महीने में ये 3 से 4 महीने वेबसाइट सही तरीके से नहीं चलती है। ये जो वेबसाइट ना चलना है, ये टोटली नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस मतलब होता है नाकारापन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, जिसे आप कह सकते हैं कि क्योंकि सरकारी वेबसाइट है तो सरकारी वेबसाइट है, इसलिए ये सरकारी सिस्टम की तरह ही चलती है। यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि पीएफ संस्था 70 साल पुरानी संस्था है, और ये 70 साल पुरानी संस्था होने के बावजूद यहाँ पे कितना फंड है आप सोच भी नहीं सकते। पैसा ही पैसा होगा। जो मैंने इनकी बैलेंस शीट देखी है उसके अंदर इनका जो टोटल फंड है, जिसमें आपका पीएफ जमा होता है, पेंशन जमा होता है, और इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है, वो टोटल फंड मिला के 2018-19 के हिसाब से 12.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का फंड था। तो जिस संस्था के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम जो चला रही हो, जिसके पास 22 करोड़ अकाउंट हो, और जिसके पास 12.5 लाख करोड़ का फंड हो, वो अपनी एक नॉर्मल सी वेबसाइट नहीं चला रही, जहाँ पे कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई इन्हें रेगुलर तौर पे अपडेट नहीं करना पड़ता है, फिर भी ये संस्था अपने वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये है 16 जनवरी 2022। यहां पे नवंबर 14 2021 से 2.5 महीने का समय हो गया है, 2 या 2.5 महीने का समय हो गया है, और 2.5 महीनों के अंदर में वेबसाइट मुश्किल से 10 दिन चली है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिन जो वेबसाइट चली है 2.5 महीनों में, तो यहाँ पे पीएफ संस्था को ये समझना चाहिए कि वो किस तरह की सर्विस अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहा है। गजब बेइज्जती है। जहाँ पे आपको जबरदस्ती कहा जाता है कि आप ई नॉमिनेशन भरिए, वरना आप अपनी पासबुक नहीं देख सकते, लेकिन जब आप ई नॉमिनेशन भरने जाते हैं तो वहाँ पे वेबसाइट ही काम नहीं करती। तो जब वेबसाइट ही काम नहीं करेगी तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे, अपना नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। फिर कहा जाता है कि आप पासबुक की वेबसाइट
तभी देख सकते हैं जब आपका नॉमिनेशन भरा होगा। लोगों ने नॉमिनेशन भर दिया और लोग आए अपना पासबुक देखने के लिए, तो पासबुक पे अभी भी वही एरर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। तो मेरा ये आपको समझाने का मतलब ये है कि पीएफ की संस्था जो है वो अपने वेबसाइट मेंटेनेंस के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है। तो आप लोग जब भी पीएफ का काम करते हैं, चाहे अपना करिए या आप किसी और का पीएफ का काम करते हैं, तो आपको इस संस्था के काम करने के तौर तरीकों का पता होना चाहिए। अगर इस टाइम पे सर्वर एरर आ रहा है या आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, आप दोबारा ट्राई कीजिए, तिबारा ट्राई कीजिए, चौबारा ट्राई कीजिए, क्योंकि आपकी पीएफ संस्था के नज़र में कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। आप लोग पीएफ संस्था के हिसाब से फ्री बैठे हुए हैं, जो सुबह चेक करेंगे वेबसाइट, शाम चेक करेंगे, रात चेक करेंगे और अगले दिन फिर से चेक करेंगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इनके पास पैसा है, इनके पास अनुभव है, इनके पास सारे रिसोर्सेस हैं। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे संस्था से यही अनुरोध है कि वो इन गलतियों को ठीक करे, ताकि 6.5 करोड़ मेंबर्स जो हैं वो समय से अपना फॉर्म भर सके और वो समय से अपना जो उनकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से अपना पीएफ विड्रॉ कर सकें। तो ये वीडियो आप लोगों को यही चीज़, यही संदेश देने के लिए मैंने बनाई है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा आया।